महामारी फैलाने पर वर्ष 2020 में श्री पारस अस्पताल पर सील लगा दी गई थी, लेकिन वर्ष 2021 में फिर से इसे कोविड अस्पताल बना दिया गया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पिछले वर्ष लगी सील किसने खुलवाई? इसका जवाब ना तो प्रशासन के पास है और ना ही स्वास्थ्य विभाग के पास। बता दें कि इस वर्ष अस्पताल पर ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल और महामारी के समय ऑक्सीजन की कमी का भ्रम फैलाने के आरोप लगे हैं। अस्पताल के अपराध की पुनर्वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है, जिलाधिकारी या स्वास्थ्य विभाग? यह एक बड़ा सवाल है। गौरतलब है कि पिछले साल श्री पारस अस्पताल सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना था। कोरोना संक्रमण फैलाने के चलते जिलाधिकारी पीएन सिंह ने महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि संचालक ने चोरी छिपे संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती किया, संबंधित विभाग और प्रशासन को इसकी सूचना तक नहीं दी। कोविड प्रोटोकॉल को ताक पर रखने पर अस्पताल सील हुआ था। करीब 10 महीने तक यहां इलाज पर रोक लगी रही। सील खुलने के बाद ना तो मामले में प्रशासन ने विरोध किया और ना ही संबंधित विभाग ने, अन्य विभागों की अनापत्तियों को परखा। अब एक और बड़ा सवाल ये है कि आखिर सील खुली तो खुली कैसे? तो इसके जवाब के लिए बस यही काफी है कि अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरिंज जैन के नेताओं से गहरे रिश्ते हैं। उसे शहर के कई विधायक, मंत्री व अन्य जनप्रतिनिधियों का खास भी माना जाता है, तो सील तो खुलनी ही थी।